उसके पास ताकत होती है, इसलिए कि उसके पास तकवियत होती है, इसलिए कि वो अपने हर काम को अंजाम देने के लिए आगे बढ़ने का जज्बा रखता है। कराटा ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी बिना पर आदमी हमेशा मुतहर्रिक होकर ज़िंदगी गुजार सकता है, और कराटा ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आदमी हर अमल में सरगर्म रह सकता है। नाज़रीन, मैं आपको बतला दूँ कि ये वो कराटा जिसको आज हम इतने अच्छे अंदाज में पेश करने वाले स्टूडेंट के दरमियान इनको हम देखने के दर पे हुए हैं, इसकी इब्तिदा कहाँ से हुई है? इसकी इब्तिदा दरअसल जापान से हुई है, और अब इस खेल का मरकज चाइना बना हुआ है, और इसी मार्शल आर्ट को सीखकर ब्रूस ली ने, और यही मार्शल आर्ट देवबंद की सरजमीन पर भी सिखाया जाता है, और इसी के एक अहम तरीन कड़ी स्पोर्ट्स एंड मार्शल आर्ट फाउंडेशन ऑफ इंडिया, जो आज हमारे सामने सालार लेकर मास्टर मंजूर इस्लाम से इस खेल को सीखा, और मजीद उसमें तरक्की हासिल करने के लिए आपने देवबंद दिल्ली का रुख किया, और वहां जाकर आपने चाइना टेंपल शाओलिन से 6 साल तक वहां ट्रेनिंग लेने वाले कनुष्का शर्मा से आपने जाकर मजीद इस खेल को सीखकर उसके अंदर पुख्तगी हासिल की और अपनी सनत को मजबूत और पुख्ता किया। देहरादून के अंदर नेशनल फाइट होने वाले मुकाबले के अंदर आपने हिस्सा लिया तो आपको बेस्ट फाइटर का लकब मिला, और जिन्हें मैं और आप और हम सब ग्रैंड मास्टर मास्टर नजमुल हक साहब चौधरी के नाम से प्यारे नाम से जानते हैं, जिनके शान में मैं यही कहूँगा, चांद भी झांकता है अब खिड़कियों से, चांद भी झांकता है अब खिड़कियों से। ये नाज़रीन के इस स्पोर्ट्स एंड मार्शल आर्ट फाउंडेशन ऑफ इंडिया की बुनियाद डालने वाले जहाँ मास्टर नजमुल हक साहब चौधरी हैं, तो वहीं इस स्पोर्ट्स एंड मार्शल आर्ट फाउंडेशन ऑफ इंडिया को परवान चढ़ाने वाले मास्टर अब्दुल रज़ाक महाराष्ट्री हैं, तो वहीं इसको सलीका देने वाले मास्टर इशराक दरभंगवी हैं, और आज इन्हीं के नक्श कदम पर चलकर और इन्हीं के मिशन को आगे लेकर चलने वाले मास्टर शकीलुर रहमान हैं, कि जिनके तरबियत याफ्ता स्टूडेंट्स आज हमारे सामने बेहतरीन अंदाज में अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। साथ ही मास्टर फैयाज महाराष्ट्री और मास्टर जहीरुल इस्लाम और मास्टर बारिकुल इस्लाम के स्टूडेंट्स भी बहुत ही अच्छे अंदाज में हमारे सामने अपना प्रोग्राम पेश करेंगे, जिनके शान में मैं यही कहूँगा, दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समझ तलाश कर। नाज़रीन, हमारे दरमियान में और स्टेज पर जलवा फरमा मेहमानान खुसूसी का हम पुरतबा इस्तकबाल करते हैं, जिनमें इज़्ज़त माप मास्टर इमरान कुरैशी साहब ब्लैक बेल्ट फ्रीडन, जिनके मातहत आप नानोता के रहने वाले हैं और आपके मातहती में 50 क्लासें चलती हैं, जिन्होंने हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहा और आज वो हमारे दरमियान में तशरीफ़ फरमाए, हम उनका खैर मकदम करते हैं, खुशामदीद, वेलकम। और इसी तरह से महाराष्ट्र से मास्टर अब्दुल रज़ाक महाराष्ट्री हैं, इज़्ज़त माँ आली जनाब मास्टर असलम साहब, और इसी तरह डॉक्टर अजीमुल हक चेयरमैन इस्लामिया डिग्री कॉलेज देवबंद, जो किसी उजर की वजह से हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर सके, इसी तरह इज़्ज़त माँ जनाब वाई डी शर्मा कोतवाल देवबंद की तरफ से, के वो किसी उजर की वजह से हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर सके, हालांकि वो आना ही चाहते थे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं अपनी जानिब से किसी एक को इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए भेजूंगा। इज़्ज़त माँ जनाब असगर अली दारोगा चौकी खानका देवबंद, जो किसी उजरे की वजह से देवबंद के अंदर नहीं है, वो अपने किसी काम पर वो चले गए हैं। नाज़रीन, हम इन तमाम मेहमानान खुसूसी का पुरतपाक इस्तकबाल करते हैं, अभिनंदन है आपका इस शेर के साथ कि खिरा में नाज से बाद बहार ही आज आती है, खिरा में नाज से बाद बहार ही आज आती है, बनाकर हार फूलों का चमन साथ लाती है, चमन में हर तरफ से मुबारकबाद आती है, चमन में हर तरफ से मुबारकबाद आती है, मुबारक हो बहार बेखजा गुलशन में आती है। और किसी ने क्या ही खूब कहा, खुशी में तराने गा रही हैं कुमरिया बाहम, खुशी में तराने गा रही हैं कुमरिया बाहम, बरसता है यहाँ पर अबरे रहमत आज क्यों छम छम।
बहुत ही अच्छा माशाल्लाह बहुत खूब आपने प्रोग्राम पेश किया तालियों की का इस्तेमाल हो खूब जोर जोर से नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुम्मत पर नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुम्मत पर तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में नाजरी इसके बाद अब मैं वो कि जिनकी एक जय हम चौन है वो आए और अपना प्रोग्राम पेश करे और अपना प्रदर्शन हम सबके सामने दिखाए तालियों से इस्तकबाल हो यहाँ हजरात का क्यों इसलिए कि एक वो शख्स जो शायर हो तो शायर के सामने आप जब सुभान अल्लाह कहेंगे उसका हौसला बढ़ेगा उसका ज़ौक बढ़ेगा लेकिन ये जांबाज ये सिपाही इनका हौसला आज आप तालियों के जरिए से करेंगे तो ये अपने हौसले के साथ और अपने जज्बे के साथ अपना प्रोग्राम पेश करेंगे तो आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा जब अपना प्रोग्राम पेश करें इनका तालियों से इस्तकबाल खूब होना चाहिए लहू गरम रखने का एक बहाना इतनी बहादुरी के साथ और खतरनाक जंप के साथ उन्होंने अपना प्रदर्शन आपके सामने दिखाया और इसके बाद वो स्टूडेंट्स जो मास्टर फैयाज के जज्बे को बरकरार रखने के लिए आप इसी तरह से आखिर तक इनका साथ दें ताकि अपने हौसले के साथ अपने जज्बे के साथ और अपने अंदर की कुवा के साथ में ये आपके साथ अपना प्रोग्राम पेश करें आपको चाहिए कि ये मौका ब मौका जो जिस अंदाज में और जिस तरह से भी अपना खेल पेश करें आप इनके हौसलों को बढ़ाते रहें सितारों से आगे जहां और भी हैं सितारों से आगे जहां और भी हैं अधिक इसके के इम्तिहान और भी हैं शहीदों की जमीन है जिसको हिंदुस्तान कहते हैं शहीदों की जमीन है जिसको हिंदुस्तान कहते हैं ये बंजर होती भी बुजदिल कभी पैदा नहीं करती Oh, no, no.
बहुत खूब बहुत शानदार अपना प्रोग्राम उन्होंने पेश किया। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल। बहुत खूब बहुत शानदार। ओ भाई बस बस मेरा नाजरीन आज कितनी आसानी के साथ हम इस खेल को देख रहे हैं और कितनी ही सहूलत के साथ वो आज हमारे सामने बैक फिलिप और हैंड स्प्रिंग ये मुश्किल चीज़ें मार रहे हैं। हालांकि इसके पीछे एक बड़ी मेहनत और जुस्तजू दरकार है, बड़ी मेहनत दरकार है। कभी पैर पर जख्म आता है और कभी पैर मोच खा जाता है तो उसके बाद कई दिनों तक जख्मी होते हैं और फिर कहीं जाके ये चीज़ बड़ी आसानी के साथ में हमारे सामने पेश करने की ये आदि हो जाते हैं। बाल हो ये अपना प्रदर्शन बड़ी मेहनत और जुस्तजू के बाद आज हमारे सामने पेश कर रहे हैं। बहुत शानदार माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने अपना ये प्रदर्शन हमारे सामने पेश किया। इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया है, इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया है। माजरिए से आदमी अपने अंदर एक वो ताकत रखता है और अपने अंदर वो कुव्वत रखता है कि कई लोगों के मुठ भेड़ के अंदर भी वो अकेला एक ही फर्द होता है जो मुकाबले के लिए भारी हो सकता है। कि इसी कराटे की वजह से आदमी वो ताकत रखता है। इनका खूब तालियों के जरिए इनका इस्तकबाल हो और इनको इनके हौसले को बढ़ाएं हम। बहुत खूब, बहुत शानदार। कहाँ देखा होगा आपने इस तरह, आपने पर्दे पर इस तरह की चीज देखी होगी, लेकिन आज मुशाहदा हम इन चीजों का कर रहे हैं कि किस तरह से ये जंप और किस तरह से तालियों के जरिए से इनका इस्तकबाल हो, इनके हौसले को बढ़ाए। बहुत खूब, नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुम्बद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। चले नाजिन, आपके सामने हमने पहले ही कहा कि कराटा ये वो चीज है कि जिसके जरिए से आदमी के अंदर एक बहादुरी की सिफत पैदा होती है। यही वो कराटा है कि जिसके जरिए से आदमी एक मजबूत और सख्त चीज को तोड़ सकता है। आदमी के अंदर वो मजबूती पैदा उसी वक्त हो सकती है कि जब वो इस कराटे से मुत्तसिफ हो, इस कराटे के अंदर आकर वो खुद को इसकी मेहनत पर लगाता है और इसके जुस्तजू पर अपने आप को और इसके अंदर जितने तरीके अपने तरीके हैं जिसके जरिए से वो खुद का दिफा कर सकता है तो वो अपने अंदर मजबूती पाता है। तो आज आपके सामने उस सख्ती का मुजाहरा होगा और आज आपके सामने वो चीज़ दिखाई जाएगी कि एक कराटे वाला शख्स और एक वो कि जिसने अपने आप को इस कराटे के पीछे लगाया, इसके ऊपर उसने मेहनत की है, तो आज अपनी मेहनत का समरा अपनी आंखों से हम देखेंगे कि किस तरह की मजबूती उसके अंदर है और किस तरह की फुर्ती और चुस्ती उसके अंदर है। कि एक मजबूत और टाइल्स के जिसके तोड़ने से हम घबरा जाते हैं, कि वो टाइल्स कि जिसको देखकर
हम पीछे हट जाते हैं, हम ये सोचने लगते हैं कि अगर हम इसको तोड़ेंगे तो हमारा हाथ जख्मी हो जाएगा। लेकिन ये वो लोग हैं कि जो हाथ ही से नहीं बल्कि अपने सर से, अपने पैर से और अपने जिस्म के एक एक उज़्ज़ो से वो टाइस तोड़ने की कुदरत रखते हैं। और ये कुदरत उनके अंदर इस कराटे के जरिए से हुई है। इन हजरात का हम इस्तकबाल करें तालियों के जरिए से कि ये एक खतरनाक चीज़ का और एक बड़ी भयानक चीज़ का हमारे सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। जो सर से टाइस फोड़ने वाले हैं वो आकर पहले अपना प्रदर्शन दिखाएं। नाज़रीन, कराटा एक ऐसी चीज़ है कि इसके ज़रिए से दूसरी की मदद करने का भाव इस आदमी के अंदर पैदा होता है। माशाल्लाह, क्या खूब और कितने अच्छे अंदाज में इन्होंने हमारे सामने बड़ी आसानी के साथ छोड़ने वाले हैं। वो आकर जल्दी से अपना मुजहरत दिखाएं। नाज़रीन, आपको एक बात ये बतलाता चलूं कि इस कराटे के सीखने के लिए किसी उम्र की कैद मलहूज नहीं है। चाहे वो जवान हो, बूढ़ा हो या बच्चा हो, हर कोई इस खेल को सीख सकता है और सीख कर अपने अंदर मजबूती ला सकता है। आप में अगर वो शौक पैदा हुआ इनके इस खेल को देखकर, आप में अगर वो शौक पैदा हुआ इनके इस खेल को देखकर, आप भी मायूस न होना, आप भी इस खेल को सीख सकते हैं। लम्हात बहुत बाकी हैं और मुद्दतें अभी गुजरने वाली है। आप अगला साल आएंगे इस कराटे से मुतसिफ होकर और इस क्लब से आप ज्वाइन होकर अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। अभी से आप अपने जहन के अंदर, अपने दिमाग के अंदर ये बात बिठा कर रखें कि आपको कराटा सीखना है और कराटा सीख कर अपने अंदर मजबूती लाना है। सब सीखेंगे इस कराटे को। और जिन हजरात ने शुरू में इरादा तो किया कि हम कराटा सीखेंगे लेकिन वो किसी वजह से सीख नहीं पाए, उनकी उम्मीद बरकरार है, तो ऐसे शख्स के ताल्लुक से अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा, न उम्मीदी जवाल इल्म व इरफा है, न उम्मीदी जवाल इल्म व इरफा है, उम्मीद मर्द मोमिन है खुदा। नाज़रीन, इतना आसान नहीं है। टाइप ये वाइट के जरिए से और अपने पैर के जरिए से टाइप का फोड़ना ये इतना आसान नहीं है बल्कि इसके पीछे बड़ी मेहनत दरकार है। रातों दिन के तहत खेल को सीखा और अपने पैर में मजबूती लाई है। बहुत खूब। और एक बात आपको इस्लाम ने उन खेलों की इजाजत दी है जिनके जरिए मुमकिन है शरई लाजिम ना आता हो, यानी सतर न खोला जाता हो और इसी तरह उसके अंदर नमाज का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के खेल खेलने जिसके जरिए से आदमी के अंदर तकबीर पैदा होती है और इस तरह की खेल खेलने की इजाजत देती है कि जिसके जरिए से दीने उमूर में खलल ना आता हो। और ये चीज है जिसके जरिए से बिल्कुल दीने उमूर में खलल वाक नहीं होता। ये और इसके बाद सर्टिफिकेट मिलेगा। इन्होंने बड़ी मेहनत के बाद ये कैमरा देगा इसके लाल हो ये प्रोग्राम हमारे सामने पेश किया और इसके बाद आज इन्हें सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। मास्टर शकील रहमान के स्टूडेंट्स
जिन्हें ब्लैक बेल्ट अभी दिया जाने वाला है, उनका नाम नंबर वन पुकारा जाएगा। वो अगर मास्टर साहब से अपना सर्टिफिकेट ले, जिनमें सबसे पहले नंबर पर है मोहम्मद आबिद शोभा यूपी, मोहम्मद आबिद इनके लिए तालियां कि इन्होंने पूरे साल इस कराटे को सीख कर अपने दीन उमूर और अपनी तालीम के अंदर खलल लाने दिया। असर के बाद का एक मुख्तसर सा वक्त था जिसको उन्होंने गनीमत जाना। और इसके बाद मोहम्मद शमीम बिहार, मोहम्मद शमीम बिहार फौरन आते रहे, वो आकर अपना सर्टिफिकेट मास्टर साहब से ले लें। मोहम्मद शाहिद बंगाल, मोहम्मद शाहिद बंगाल, जैसे जैसे नाम पुकारा जाएगा उसी नाम के साथ में आप आते रहें। मोहम्मद इमरान गुजरात, मोहम्मद शाकिर महाराष्ट्र, अब्दुल कादिर महाराष्ट्र, पहले मोहम्मद शाकिर फिर अब्दुल कादिर, मोहम्मद हुजैफा बिहार, मोहम्मद मारूफ बिहार, मोहम्मद मजहर गुजरात, फौरन साथी उठते रहे और आकर यहाँ से मास्टर साहब से अपना सर्टिफिकेट ले लें और ब्लैक बेल्ट ले लें। मोहम्मद इलियास एमपी, एहसानुल हक मेवात, नकीबुर रहमान आसाम, हसीबुर रहमान बिहार, मुजीबुर रहमान यूपी, मोहम्मद सोहेल यूपी, मोहम्मद फेरोज महाराष्ट्र, खैरुज़्ज़मा, खैरुज़्ज़मा आसाम, मास्टर जब जिंदा आए उस टाइम उसे मास्टर का नाम जिन्हें ब्लैक बेल्ट दिया जा रहा है वो अपने सफ़ेद बेल्टों को निकाल कर वहीं अपनी जगह पर रख दे, यहाँ आकर फिर ब्लैक बेल्ट उन्हें बांधा जाएगा, तो उसी के साथ में चले जाए यहाँ से। मौलाना अबुल कलाम कर्नाटक, अब्दुल्ला बंगाल, अब्दुल हलीम बंगाल, ब्लैक बेल्ट के बाद एक और सनद दी जाती है जिसको टूडन कहते हैं। तो इस सनद के हासिल करने वाले इस मास्टर शकील रहमान से दो स्टूडेंट्स हैं जिनमें पहले हयातुल्ला हैं, वह मोहम्मद रिजवान अहमद, मोहम्मद
बारिकुल इस्लाम फोटो खींच लेते हैं वीडियो बहुत लंबी आ रही है आधा घंटा हो गया चार है चार लगे सैफुल इस्लाम लाइन लगाते रहे जिन्हें ब्लैक बेल्ट मिलना है जिनका नाम पुकारा जा रहा है वो यहाँ आकर लाइन में खड़े रहें सैफुल इस्लाम हबीबुल्ला मास्टर फैयाज के स्टूडेंट्स वो यहाँ आकर लाइन में खड़े रहें अतीकुल्ला बिहार मोहम्मद शाहरुख उत्तराखंड और इसी तरह जो स्टूडेंट लेने वाले हैं हबीबुल्ला देवबंद और थ्री डन लेने वाले मोहम्मद आजीज पांडा लाइन में खड़े रहें अब्दुल रहमान इधर देख इधर भाई चलिए ठीक है राइट फोटो की इस तरह ना उसने इतनी लंबी वीडियो बनाएगा तो ही गया भाई मुझे बोला मैं तो ये बोल रहा था मुझे दिया है वीडियो बनाने टुकड़ों में बना लेते मास्टर फैयाज के स्टूडेंट्स वो ब्लैक बेल्ट ले लें मास्टर जहीरुल इस्लाम देवबंद उनके स्टूडेंट्स वो सामने आकर खड़े रहे खत्म हो गया कोई पता नहीं बाकी सब हो गया प्रोग्राम हो गया फिर हम मास्टर
मास्टर ज़हीरुल इस्लाम के स्टूडेंट्स समीउल्लाह को ब्लैक बेल्ट दिया जा रहा है।